HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर विदिशा बेजबरुआ ने अपने गुरुग्राम स्थित सेक्टर 43 अपार्टमेंट में फंदे से झूलाई कर आत्महत्या कर ली। एक्ट्रेस की आत्महत्या की वजह उनकी शादी बताई जा रही है। विदिशा की 14 महीने पहले पारिवारिक रिश्ते में परेशानी खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वह काफी परेशान चल रही थी। एक्ट्रेस के आत्महत्या के बाद उनके माता पिता ने उनके पति को दोषी ठहराया है। उनके पिता के मुताबिक उनकी विदिशा से कल बात हुई थी, जिसमें वह अपने पति से तलाक लेने की बात कह रही थी। बता दें कि अभी हाल ही में रणबीर कपूर और कटरीना कैफ स्टार फिल्म एक्ट्रेस नजर आई थी। उन्होंने कहा कि हम ये जानकर हैरान थे कि विदिशा की लाश उसके घर में मिली। हम उसका पोस्टमार्टम रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, क्योंकि उसे खुद को मारने के लिए मजबूर किया गया था। एक्ट्रेस ने 2016 में गुजरात के निवासी नशित जैन से अपनी शादी की थी, जिससे वह बाद से नाखुश थी। उसने अपने ससुराल वालों के हाथों अपने साथ दुर्व्यवहार और पति के किसी और से रिश्ते की बात अपनी माँ और दोस्तों को बताई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके पति पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है और उसे जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है।